प्लस टू साइंस स्ट्रीम की परीक्षा में प्रदेश भर में नौवें स्थान पर रहने वाली निवेदिता रिहाल ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए स्कूल के बाद 5 घंटे और परिश्रम कर ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि वे उपमंडल के चौबू गांव की रहने वाली है और उनके पिता विजय रिहाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुलाना में बतौर इंग्लिश लेक्चरर हैं तथा माता अंजना राणा निजी स्कूल में अध्यापिका हैं तथा वे प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हैं। मंडी टाउन हॉल में चली 3 दिवसीय नॉर्थ जोन मातुल एवं संदीप मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता का एकल खिताब हिमाचल के सौरभ ने पंजाब के लव सिंह को हराकर जीता है। इस प्रतियोगिता में 3 प्रदेशों हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। महिला एकल में विजेता व उपविजेता हिमाचल की ही खिलाड़ी रही है। इसमें विजेता दिव्या व उपविजेता साक्षी रही है, जबकि लड़कों की प्रतिस्पर्धा में अंडर 19 में जुव राम विजेता बने, जबकि धीमेंद्र उपविजेता बने हैं। विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को समाज सेवी चंद्रमोहन शर्मा ने पुरस्कार वितरित किए, जबकि उनके साथ अनिल शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर बैडमिंटन क्लब की ओर से दातुल चौहान, अतुल शर्मा, लखविंदर सिंह, नरेंद्र राजू, पीआर राणा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के शिवलाल ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर को प्रस्तुत किया। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा 24 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस अवसर पर मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी जनता को संबोधित करेंगे। सुंदरनगर भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक राकेश जम्बाल ने कहा कि राम स्वरूप शर्मा 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस अवसर पर मंडी संसदीय क्षेत्र से कार्यकर्ता व मंडी जिला से भारी संख्या में लोग पड्डल मैदान में एकत्रित होंगे। उन्होंने बताया कि पड्डल से रैली के रूप में सेरी मंच तक पार्टी के नेता व कार्यकर्ता जाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है। मोदी सरकार की 5 साल की उपलब्धियों के अलावा प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जाया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के गृह विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए रायपुर सहौड़ा में जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस के सह प्रभारी गुरप्रीत सिंह कोटली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और ऊना सदर के विधायक सतपाल रायजादा मौजूद रहे। कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ साथ सांसद अनुराग ठाकुर पर जमकर जुबानी हमले किए। वहीं 3 बार के बीजेपी सांसद और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सुरेश चंदेल द्वारा कांग्रेस ज्वाइन करने से कांग्रेस के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। यहां तक कि इसी सीट से पार्टी उम्मीदवार रामलाल ठाकुर भी चंदेल के आने से प्रसन्नचित हैं। ध्यान रहे कि ये वही सुरेश चंदेल है जिन्होंने इन्हीं रामलाल ठाकुर को अपने विरोधी के तौर पर बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार हराकर लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ी थी, लेकिन सियासत में बदलते समीकरण दोनों विरोधियों को एक साथ ले आए हैं। खैर, 3 बार हार का मुंह देख चुके कांग्रेस उम्मीदवार को सुरेश चंदेल के आने के बाद अब की बार जीत का स्वाद चखने की उम्मीद है। शायद यही कारण है कि वो बीजेपी दिग्गज के आने से पहले से कहीं अधिक आशावान नजर आए हैं। वहीं अनुराग ठाकुर द्वारा रामलाल से रिपोर्ट कार्ड मांगने पर रामलाल ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरे काम प्रदेश की जनता जानती है। अनुराग ठाकुर अधिकतर विदेश में रहे हैं, इसलिए उन्हें मेरे काम दिखाई नहीं दिए हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में प्राचीन परंपराओं के मुताबिक श्रद्धालु अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार करवाते हैं। श्रद्धालु हर रोज काफी संख्या में अपने बच्चों के मुंडन संस्कार करवाने के लिए माता के दरबार में पहुंचते हैं। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली व अन्य प्रदेशों से यहां तक विदेशों से भी श्रद्धालु अपनी इन प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए माता के दरबार में
छोटे छोटे जो घर में नए बच्चे आते हैं उनके पहली बार बाल कटवाने के लिए माँ के दरबार में पहुँचते हैं। मंदिर में विधिवत रूप से बाल कटवाए जाते हैं और फिर प्रसाद के साथ मिठाई के साथ बच्चों के बाल काली माता के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और मन्नत मांगी जाती है। माता रानी की कृपा से बच्चे की लंबी उम्र हो और उन्हें सद्बुद्धि मिले। पंजाब से आए श्रद्धालु ने बताया कि पहले उनके दादा, फिर उसके पश्चात उनके और उनके बाद उनके छोटी सी बच्ची के मुंडन संस्कार यहां पर हुए हैं। प्राचीन समय से ही जब भी घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसके पहली बार बाल माताजी के दरबार में ही कटवाते हैं। यही हमारी परंपरा है और यही उनके परिवार की चल रही मान्यता है। काफी सालों से कि हमारे खानदान में जो भी नया बच्चा आता है तो उसका मुंडन जो हमेशा बाल यहीं पे आए उतरते हैं, तो भगवान ने मुझे लक्ष्मी दी तो मैं इसलिए उसको यहाँ पे लेके आया और इसका मुंडन यहाँ पे करवाया। मंदिर के प्रांगण में एक तरफ हर्षमय नाई के बैठने के लिए जगह प्रदान की गई है, जहां पर बैठकर नाई बच्चों के बालों को काटता है। मंदिर में तैनात नाई राजू का कहना है कि काफी समय से पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य से जुड़ा है और माता रानी की कृपा से लगे हुए हैं और यहां पे बड़ी संख्या में माता जी के श्रद्धालु जो है बच्चों के मुंडन करवाने हमारे पास आते हैं। माता जी का आशीर्वाद है जो हम इस सेवा में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि माता रानी हम पर ऐसे ही आशीर्वाद अपना रखे और सबको माता रानी बना दे। जय माता।